देश में पहली बार मिथेनॉल से हुआ बसों का संचालन। इलेक्ट्रिक इथेनॉल छोड़ो, मिथेनॉल से दौड़ेंगी गाड़ियां। डीजल पेट्रोल पर कम होगी निर्भरता, हजारों करोड़ की होगी सालाना बचत। भारत ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच तेल के आयात पर 119.2 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इससे पिछले साल 62.2 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट किया गया था। मतलब साफ है कि डीजल पेट्रोल पर देश का बहुत सारा पैसा विदेशों में जा रहा है, जिसे बचाने के लिए सरकार कई तरीके अपना रही है। देश में इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन और एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अब सरकार ने पहली बार मेथेनॉल के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली बार 12 मार्च को मेथेनॉल से संचालित बसें लॉन्च की, जो MD15 यानी कि 15% मेथेनॉल वाले डीजल पर चलेंगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के लिए बसें लॉन्च की गई है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का इरादा 80 बसें लॉन्च करने का है। पहले चरण में 20 अशोक लेलैंड बसें चलेंगी। BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी और अशोक लेलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अगर ट्रायल सफल रहा तो फिर देश भर के पेट्रोल पंपों पर मेथेनॉल ब्लेंडिंग वाला डीजल पेट्रोल मिलेगा, जिसके बाद डीजल पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए तक कम हो जाएंगी। सरकार एक तीर से तीन निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला यह कि ईंधन में मेथेनॉल मिलाने से सरकार को ईंधन आयात बिल के तौर पर कम से कम 10% की बचत होगी। दूसरा, प्रदूषण के स्तर में 30% की कमी आएगी, इससे सरकारी खजाने में भी 5,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। बता दें, फिलहाल पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन मेथेनॉल के मुकाबले इथेनॉल बहुत महंगा है। इथेनॉल की कीमत करीब 40 रुपए प्रति लीटर है, जबकि मेथेनॉल 20 रुपए लीटर में आता है, और जब लागत कम होगी तो कीमत भी अपने आप कम हो जाएगी। मेथेनॉल कोयले से बनता है, वही इथेनॉल गन्ने से बनाया जाता है। मिथेनॉल ईंधन का अच्छा और सस्ता स्रोत है, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले डीजल, पेट्रोल और LPG की जगह ले सकता है। मिथेनॉल की खास बात ये भी है कि ये पेट्रोल और डीजल दोनों को ही रिप्लेस कर सकता है। इसे पेट्रोल या डीजल में कुछ मात्रा में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर 100% भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे पेट्रोल डीजल की तुलना में प्रदूषण भी कम होता है और ये सस्ता भी है। अगर पेट्रोल डीजल में मिथेनॉल को रिप्लेस कर दिया जाता है तो इससे सरकार और आम आदमी दोनों को फायदा होगा। मिथेनॉल के इस्तेमाल से सरकार का सालाना 5,000 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। पेट्रोल में 15% मिथेनॉल मिलाने से हर साल कच्चे तेल के आयात को 15% तक कम किया जा सकता है। साथ ही पेट्रोल डीजल की तुलना में मिथेनॉल सस्ता भी होगा, जिससे तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। मिथेनॉल को अपनाकर भारत अपने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता को कम कर सकता है। साथ ही मिथेनॉल से लगभग 20 रुपए की लागत पर भारत स्वदेशी ईंधन तैयार कर सकेगा। इस तरह मिथेनॉल के इस्तेमाल से अगले कुछ सालों में डीजल का इस्तेमाल कम से कम 20% कम हो जाएगा। इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर अगले 3 साल में ही LPG बिल में 6,000 करोड़ रुपए की सालाना कमी हो सकती है। अगर मिथेनॉल आधारित वाहनों का चलन बढ़ता है तो इससे देश में इस सेक्टर से जुड़े इंजीनियरिंग नौकरियों और मिथेनॉल आधारित उद्योगों में निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। मिथेनॉल की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से देश में 50 लाख नौकरियां पैदा हो सकती है। नीति आयोग मिथेनॉल इकोनॉमी के लिए एक रोड मैप बना रहा है, जिसका लक्ष्य भारत के कच्चे तेल के आयात में 2030 तक $100 बिलियन की सालाना कटौती करना है, ताकि देशवासियों को किफायती तेल मिल सके, देश का पैसा देश में ही रहे और लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।